स्टोरी एक्चुअली में एक रियल इवेंट है। 1983 सबने सुना होगा, क्रिकेट का गोल्डन ईयर फॉर इंडियंस। 1983 में पहली बार कपिल देव हमारे लिए वर्ल्ड कप लेके आए थे। वी वर सो हैप्पी। मैं तो उस समय पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन जिन्होंने वो यू नो प्राउड मूवमेंट देखा है एक्सप्लेन करते हैं कि वो एक गोल्डन ईयर था हमारे लिए, सब कुछ बदल गया था। हराया किसको था पता है? हराया था 1975-1979 के चैंपियन वेस्ट इंडीज को। अब आप सोचिए, जो उस टाइम पे 20 साल तक लगातार जो टीम क्रिकेट में रूल कर रही हो, 1983 में उसको इंडिया टीम ने हराया था। 1975 का वर्ल्ड कप जीत गई, 1979 का वर्ल्ड कप जीत गई, उसके बाद 1983 के फाइनल में पहुंच गई, ऐसी टीम को हराया। उस फाइनल मैच में सब लोगों को पता था कि वेस्ट इंडीज जीतेगी, सब लोग ये कह रहे थे। मतलब इंडियन सपोर्टर भी ये बात मानते थे, जो कट्टर इंडियन सपोर्टर थे उनको भी पता था यार वेस्ट इंडीज की टीम, जो क्लाइव लॉयड जिसको कैप्टन है, विव रिचर्ड्स जिस टीम के अंदर है, उसको हराना नामुमकिन था। 183 का टारगेट दिया था इंडियन टीम ने, मतलब 183 पे पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो चुकी थी। ऐसे में सब लोग मान के चल रहे थे कि वेस्ट इंडीज आसानी से जीत जाएगी। वहां पर किस्मत ने अपना खेल पलटा और वेस्ट इंडीज वहां पर 139 पे ऑल आउट हो गई, और पहली बार शेर के सामने चूहे जैसी टीम शेर बन के उभर गई।